फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नए साल में व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। व्हाट्सएप को ऐसे फीचर्स से जोड़ने की तैयारी चल रही है जो व्हाट्सएप को सबसे बेहतर और टॉप क्लास ऐप बनाएंगे। ये क्या फीचर्स है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि व्हाट्सएप एक ऐसी ऐप है जिसे दुनिया में 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, और केवल अगर भारत की बात करें तो भारत में 48 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स व्हाट्सएप पर मौजूद हैं। महज 11 सालों में कंपनी ने फर्श से अर्श तक की यात्रा तय की है। अर्श तक पहुंचने की वजह भी है। दरअसल व्हाट्सएप कंपनी यूजर्स की डिमांड को देखती है और उस पर काम करती है। यूजर्स के लिए ऐप लगातार अपडेट की जाती है जिससे व्हाट्सएप आसान और सबसे हटकर ऐप साबित हो। इस कड़ी में कंपनी हर बार ऐप यूजर्स के लिए नए अपडेट और फीचर्स ऐड करती रहती है, और यही वजह है कि व्हाट्सएप इस साल भी काफ़ी यूजर्स की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मैसेजिंग ऐप में शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि साल 2022 में व्हाट्सएप में आने वाले अपकमिंग फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। अपकमिंग फीचर्स की बात करें तो उसमें पहले पायदान पर सबसे ज़्यादा यूजर्स की डिमांड को शामिल किया गया है। दरअसल ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड से iOS में फ़ोन तो बदल लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी डेटा ट्रांसफ़र करने में आती है। इसी समस्या पर कंपनी ने काम किया और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चैट ट्रांसफ़र शुरू कर दिया है। यानी अब यूजर्स अपनी चैट हिस्ट्री को अपने आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन और एंड्रॉयड से आईफोन में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस टूल का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार था। व्हाट्सएप चैट एडमिन की पावर बढ़ाने के लिए नए फीचर पर काम कर रहा है। जल्द ही ग्रुप एडमिन के पास एडिशनल पावर होगी जो किसी भी मैसेज को डिलीट कर सकेगा, यानी ग्रुप एडमिन के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा, जिसकी मदद से ग्रुप का जो एडमिन होगा वो अपने साथ साथ सामने वाले यूजर की भी चैट डिलीट कर सकता है। हालांकि ग्रुप में सभी को इसकी जानकारी मिल जाएगी। अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज पर रिएक्शन देने का फीचर देखा होगा, लेकिन अब व्हाट्सएप भी मैसेज पर रिएक्शन के लिए इमोजीज लेकर आने वाला है। यानी नए अपडेट से यूजर्स किसी भी मैसेज पर इमोजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगे। फिलहाल 6 इमोजी रिएक्शंस की पुष्टि की गई है। साथ ही यूजर्स ये भी देख पाएंगे कि आपके मैसेज पर किस इमोजी ने रिएक्ट किया है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे स्टिकर्स मौजूद हैं। ये सुविधा डेस्कटॉप और वेब एप्स पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में व्हाट्सएप ने स्टिकर स्टोर को अपने डेस्कटॉप ऐप के बीटा वर्जन में ऐड किया है। ये अभी के लिए बीटा ऐप पर उपलब्ध है, लेकिन उम्मीद है कि व्हाट्सएप जल्द ही इसे सभी के लिए रिलीज कर देगा। इस साल मिलने वाले नए फीचर्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी एक बड़ा फीचर होगा। ये फीचर यूजर्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप को एक कम्युनिटी के साथ एक साथ जुड़ने की अनुमति देगा। व्हाट्सएप आपको एक कम्युनिटी में 10 ग्रुप को एक साथ जोड़ने देगा। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स के लिए ऐप पर बिजनेस सर्च करना आसान हो जाएगा। सर्च टूल में बिजनेस नियर बाई नाम का एक नया सेक्शन होगा। यहाँ रेस्टोरेंट, किराना स्टोर, कपड़े जैसे फिल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऐप पर इमेजेस, वीडियो, GIF के फिल्टर्स दिखाई देते हैं।